हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास टेंथ की साइंस, जिसमें हम सबसे पहले केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसका आज पहला लेक्चर होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम साइंस के अंदर किस तरीके से सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आपके एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटीज़ दे रखी है, एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, उनको भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। लाइव परफॉर्म करके मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई हो या आरबीएसई बोर्ड हो, दोनों के सभी प्रीवियस दोनों ही बोर्ड्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व करके देखेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि जो कि जिनके चांसेस है कि वो एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटी के जो अंदर वाले क्वेश्चंस है और लास्ट में बेक एक्सरसाइज है, उनके सभी क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैप्टर का नाम जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, जो कि आपने थोड़ी पहले की छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए हमारे को केमिकल चेंजेस की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बता देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। पहले बात तो हम समझते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज का मतलब होता है कोई ऐसे चेंज जो कि नया सब्सटेंस नहीं बनाते हैं, बस सब्सटेंस वही रहेगा, बस उनके स्टेट बदल जाएगी या शेप साइज में चेंजेज आ जाएगा। तो दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया चीज नहीं बनेगी, पुरानी ही चीज रहेगी, बस उसकी स्टेट बदल जाएगी, जैसे सॉलिड से लिक्विड हो गया या लिक्विड से गैस हो गया। ये टेम्परेरी चेंजेज होते हैं, यानी कि हम इनको आसानी से वापस से रिवर्स कर सकते हैं, जैसा पहले था वैसा का वैसा हम वापस से बना सकते हैं। इनके अंदर शेप साइज स्टेट वगैरह बदलती है, सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे कि वाटर है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसको हम ठंडा करेंगे, वापस से कोल्ड करेंगे, तो वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जब आइस होगा, उसको हम हीट करेंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर को वापस से अगर हम फ्रीजर में रख देंगे तो वो ठंडा होकर वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे केवल स्टेट बदल रही है। देखो यहाँ पे लिक्विड से ये गैस बन गया और ये सॉलिड से लिक्विड बन गया, और ये वापस से लिक्विड से सॉलिड बन गया, और यहाँ पे गैस से लिक्विड बन गया। तो यहाँ पे केवल स्टेट चेंज हुई है। दोनों ही केसेस में ये भी H2O है, ये भी H2O है, बस ये H2O सॉलिड फॉर्म में है और ये H2O लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पे H2O गैस की फॉर्म में। आई होप आप लोगों को फिजिकल चेंज समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनके अंदर नया सब्सटेंस बनेगा, जिसके बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स पहले बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। पहले यही बता देता हूँ कि ये परमानेंट चेंजेज होते हैं, इनको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते, यानी कि ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जिनको हम वापस से पहले वाली फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही, हमने दूध को क्या किया, जमा के दही बना लिया, अब दही से वापस दूध नहीं बना सकते। डाइजेशन ऑफ फूड, खाना एक बार हमारी बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो चुका है, हम वापस से पहला जैसा खाना नहीं बना सकते। रोटन बनाना, अगर कोई केला सड़ चुका है तो उनको उसको हम वापस से अच्छा नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। रस्टिंग, किसी भी चीज़ पर अगर जंग लग चुकी है तो उसको हम वापस से सही नहीं कर सकते, ठीक है। जंग से बचाने के हमारे पास तरीके हैं, लेकिन जंग एक बार लग गई तो हम उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। जो बैटरीज होती है, जितनी भी, जैसे कि आपने देखी होगी वो 9 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी आती है, जिनके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, तो केमिकल्स रिएक्ट करके केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद में वो बैटरी डेड हो जाती है, हम उसको वापस से क्या नहीं कर सकते, उस केमिकल को वापस नहीं बना सकते। कंबस्टन ऑफ वुड, एक बार लकड़ी को जलाने के बाद में राख बन जाती है उससे, तो हम वापस से उससे लकड़ी नहीं बना सकते, वुड नहीं बना सकते। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे वाइन वगैरह बनाई जाती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो भी ग्रेन्स वगैरह होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है, यानी कि लंबे टाइम तक उसको यीस्ट वगैरह के साथ में रखा जाता है, जिसकी वजह से वाइन वगैरह, ब्रेड वगैरह ये बनाई जाती है, हम वापस से इसको पहले वाली स्टेज में नहीं ले जा सकते। उसी तरीके से फायरवर्क्स, जैसे कि कोई पटाखा है, वो क्या होगा, फूट गया, हम वापस से वो जो बारूद वगैरह था वो पूरा एनवायरनमेंट में फैल के हम वापस से उसको पहले वाली पोजीशन में नहीं ला सकते। ऐसे ही बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जिसको मिथेन भी बोल सकते हो, जो नेचुरल गैस होती है वो होती है CH4, इसको अगर हम जब बर्न करते हैं, बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है, इससे हम वापस से क्या नहीं बना सकते, नेचुरल गैस नहीं बना सकते। तो हम बोल सकते हैं कि ये चेंजेस इरिवर्सिबल है, यहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और ये परमानेंट चेंजेज होते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो ध्यान से समझना कि जब कभी भी केमिकल चेंजेस होते हैं तो केमिकल चेंज होने की जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल दूध से दही बना, ये जो चेंज है उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। लेकिन दूध से दही बनने की जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें नए चीज़ें बनती हो और उनके प्रॉपर्टीज भी क्या हो, बिल्कुल डिफरेंट हो, तो वो जो पूरी प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब नए सब्सटेंस और नए प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, इसको इस एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे कि H2 एक गैस है जो कि फ्लेमेबल गैस है, जो आग पकड़ सकती है। ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि चीज़ों को जलाने में हेल्प करती है। और जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं H2O, यानी कि वाटर, जो कि लिक्विड है, और ये आग को बुझाने में काम में आता है। तो आप देख सकते हो ये आग, ये खुद जलता है, ये जलाने में हेल्प करता है, और ये आग को बुझाने में हेल्प करता है। यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज वाले नई चीज़ बन के आ गई हमारे पास। तो ये जो इससे ये बनने की प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन बोला जाता है। आई होप ये चीज़ अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें हमेशा कौन से टाइप के चेंजेज होंगे? केमिकल चेंजेज होंगे, साथ में फिजिकल चेंजेज भी हो सकते हैं कि स्टेट वगैरह भी उसमें बदल सकती है। लेकिन मेनली जो केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि उसके अंदर केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि इससे जब ये बना तो अंदर कुछ ऐसा क्या हो गया कि जिसकी वजह से ये नई चीज बन गई? यानी कि अंदर वाली चीजों में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तभी तो क्या हुआ, ये दोनों मिलके ये बना ले। तो हमारा सवाल यही है और उसका जवाब ये रहा। देखो, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब भी कभी एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें तीन चीजें होती है। होता क्या है, जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, मतलब किसी एक का साथ छोड़ के किसी दूसरे के साथ जाके जुड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं इसी को ले लेता हूँ, H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, और H2O यानी लिक्विड, यानी कि पानी हमारा, सॉरी वाटर यानी कि पानी है। अब H2 है, H2 का मतलब है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसे मैंने दो लिए हैं तो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपस में बॉन्ड बने हुए। ऑक्सीजन भी O2 का मतलब है, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए। आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, अभी के लिए बस ध्यान रखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए। अब जब पानी बनता है H2O, तो H2O में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए, मतलब यहाँ पे O के साथ दो H जुड़ गए, इधर दूसरे वाले O के साथ भी दो H जुड़ गए। अब हुआ क्या होगा, देखो, सबसे पहले मैंने बोला रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में एक दूसरे का साथ छोड़े होंगे और किसके साथ जुड़ गए होंगे? ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़े होंगे। तो यहाँ पे एटम्स अपना रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, इसकी वजह से नई चीजें बन रही है। दूसरी चीज, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यानी कि ये पुराने वाले ओल्ड बॉन्ड्स है, ये ब्रेक हुआ होगा तभी तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना होगा। तो बोल सकते हैं ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और नए वाले बॉन्ड्स क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। तो दूसरी चीज ये होती है, पहली चीज होती है एटम्स रीअरेंज होते हैं, एक का साथ छोड़ के दूसरे के साथ जाते हैं। दूसरी चीज होती है कि जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे H का मतलब हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ही अपनी चीज बदल के ऑक्सीजन बन जाए। यानी कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो चेंज नहीं होंगे, वो किसी दूसरे के एटम नहीं बनेंगे, वो हमेशा उसी एलिमेंट के एटम रहेंगे। तो तीसरा क्या है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंजेज इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। इसका मतलब है हाइड्रोजन का एटम पहले भी हाइड्रोजन का ही एटम रहेगा, वो कभी भी बदल के ऑक्सीजन या किसी और चीज का एटम नहीं बनेगा, या किसी और एलिमेंट का एटम किसी दूसरे अदर एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कि जो भी प्रोसेस होती है केमिकल चेंज की प्रोसेस, उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस के दौरान ये तीन चीजें होती है, एटम्स रीअरेंज होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखना कि किसी एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम्स में कन्वर्ट नहीं होते। इसको भी अच्छे से आप नोट कर लीजिए और फिर हम एक एक्टिविटी देखते हैं जो कि आपके सिलेबस की एक्टिविटी 1.1 है।
अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 होगी, जिसके अंदर हमें क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने की हमारे को एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। इससे पहले दो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने बैठेंगे तो क्या करना है हमारे को, उसको पहले ही सैंड पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जब मैग्नीशियम लंबे टाइम तक एयर की प्रेजेंस में रहता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, और उस लेयर की वजह से जब हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से जल नहीं पाता है। तो हमारे को सबसे पहले सैंड पेपर की हेल्प से इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है मैग्नीशियम का रिबन। अभी ये चीज़ मैं अभी आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगा। एक हमारे को स्प्रिट लैंप लेना है जो कि हमारे को जलाने में हेल्प करेगा, और वॉच ग्लास लेनी है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है उसको हम कलेक्ट करने के लिए वॉच ग्लास लेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक सावधानी हमारे को बरतनी है कि ये जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है वो हमेशा टीचर की गाइडेंस में होनी चाहिए, और जब कभी भी हम इसको जला रहे होंगे तो हमारे आंखों पे चश्मा जरूर होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्या निकलती है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है, जो कि आंखों को डैमेज कर सकती है। तो अब कंक्लूजन क्या होगा इसको समझने से पहले, अभी मैंने जो सवाल बताया आपको तो उसका रिजल्ट आंसर भी देख लेते हैं कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर, यानी कि एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है। तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन विद ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन मैग्नीशियम कवर्स विद ए लेयर, हाँ मतलब उसके मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर जम जाती है, जो कौन सी लेयर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, जो कि लंबे टाइम तक रखने पर ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करता है, इसको जलाने से बचाता है। यानी कि मैग्नीशियम को हमने लंबे टाइम तक बाहर पटक के रखा, एयर के साथ रिएक्शन कर ली उसने धीरे धीरे स्लोली, इसके बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर एक लेयर जम गई है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब लंबे टाइम तक रखेंगे तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बोलेंगे। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर की वजह से क्या होगा, जब इसको हम जलाने की कोशिश करेंगे, बर्नर की हेल्प से हम जलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये जल नहीं पाएगा आसानी से। तो इसके लिए हमें पहले इसको सैंड पेपर की हेल्प से क्या करना पड़ेगा, अच्छे से साफ करना पड़ेगा। एक बार सैंड पेपर की हेल्प से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी, उसके बाद में आसानी से इजीली जल जाएगा। तो चलो अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं। इसके लिए मैंने एक स्प्रिट लैंप ले लिया है, साथ में मैंने मैग्नीशियम रिबन लिया है, एक को मैं सैंड पेपर से ऑलरेडी पहले ही क्या कर चुका हूँ, अच्छे से साफ कर चुका हूँ। तो इसको एक मैंने टोंग लिया है जिसे मैं पकड़ूंगा इसको, और ये मैंने वॉच ग्लास ले लिया जिसके अंदर जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन के आता है। सबसे पहले मैं सेफ्टी के लिए एक चीज़ कर लेता हूँ, चश्मा पहन लेता हूँ, क्योंकि इससे निकलने वाली जो भी रेज होंगी, लाइट की रेज होंगी, जो आँखों को डैमेज कर सकती है। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमारे को, इस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ करना होता है, जिससे कि इसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है वो क्या हो, पूरी की पूरी अच्छे से क्लीन हो जाए, जिससे कि ये आसानी से जल सके। ये मैंने पहले ही करके रख लिया है। अब मैं बर्नर को जला लेता हूँ। ये मैंने बर्नर जला लिया है, और अब मैं क्या करूँगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जला के देखूँगा। जितना हो सके उतना हमारे को इसको आंखों से दूर रखना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट और लाइट इमिट होती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जलना स्टार्ट हो गया है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से अभी बहुत ज़्यादा हीट और लाइट निकल रही है, और आप देख सकते हो कि ये वाइट कलर की फ्लेम हमारे को यहाँ पे मिली है। अब जैसे ही ये ख़त्म होगा तो आप देखोगे कि एक हमारे को वाइट कलर का एक पाउडर मिलेगा। ये जो वाइट कलर का पाउडर हमारे को मिला है, यही पाउडर क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, जिसको मैं इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेता हूं। ये जो हमारा को पाउडर मिला है, व्हाइट कलर का पाउडर, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। तो हम बोल सकते हैं कि जब मैग्नीशियम को हमने एयर की प्रेजेंस में बर्न किया, इसका मतलब है मैग्नीशियम के हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि व्हाइट कलर का एक क्या है, पाउडर है। साथ में बहुत सारी क्या निकली, हीट निकली और लाइट निकली, बहुत ही ज़्यादा व्हाइट वाली फ्लेम के साथ में। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा
वो क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने मैग्नीशियम को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिल रहे थे, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे या कंबाइन हो रहे थे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। और इससे जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। तो बोल सकते हैं द सब्सटेंसेज विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, और द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। यानी कि जो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या रिएक्शन में रोल प्ले कर रहा है वो तो क्या होगा, रिएक्टेंट्स होगा। और उससे जो नया प्रोडक्ट बन के आएगा हमारा, मतलब नया जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल प्रोडक्ट ही बने, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। इसके लिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स मिलके दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उसको रिएक्शन में हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट होते हैं इनको हम हमेशा राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये जनरल ट्रेडिशन है जिसको हमें फॉलो करना है। और ये जो एरो का साइन है वो ये बता रहा है कि ये दोनों रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, हमारे लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये दोनों पॉइंट और ये दोनों एग्जांपल भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अब हम समझते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास तीन चार तरीके होते हैं, एक्चुअली फाइव मेथड्स है जिसके हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि मान लो हमने दो केमिकल्स को आपस में मिलाया, मिलाने के बावजूद हमारे को पता ही नहीं चला कि उसके अंदर क्या बना है, तो हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके पांच तरीके हैं, इनमें से तीन तरीके मैंने यहाँ लिखे हैं और इनको एक एक करके मैं सबको एक्टिविटी के द्वारा परफॉर्म भी करके बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका है कि अगर रिएक्शन के अंदर गैस इवोल्व हो रही है, मतलब गैस बाहर निकल रही है, तो समझ जाओ कि अंदर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि गैस जनरली ज़्यादातर केसेज में हमारे को दिखाई नहीं देती है, तो हम कैसे पहचान करें। तो इसके लिए मैं एक एक्टिविटी करवाता हूं जो हमारी एक्टिविटी 1.3 है, जिसके अंदर क्या करना है, हमारे को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी मिला रखा है, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हमारे को जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं। जैसे ही हम जिंक के टुकड़े डालेंगे इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, ZnCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस है जो कि हमें नहीं पता कि किस कलर की है, क्योंकि वो तो बाहर निकल जाएगी। अब इसकी पहचान करने के लिए एक टेस्ट करेंगे हम, जिसके अंदर क्या होगा कि जैसे ही हम इसके पास में एक जलती हुई मोमबत्ती या फिर माचिस की तीली लेके जाएंगे तो पॉप साउंड सुनाई देगी। तो ये पॉप साउंड ही किसकी पहचान है, हाइड्रोजन गैस की पहचान है। तो इसको अभी मैं परफॉर्म करके बता दूंगा आप लोगों को। इसके लिए सेटअप कुछ इस तरीके से लिया जाता है, एक बीकर ले लेते हैं, इस बीकर के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल लेते हैं और इसमें छोटे छोटे जिंक के ग्रेन्यूल्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं। दोनों की रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यहाँ पे एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आएंगे तो यहाँ पे हमारे को पॉप साउंड सुनाई देगी। ये मैं अभी करके बताऊंगा, इससे पहले हम दो और तरीके देख लेते हैं जिसकी मदद से हम पहचानेंगे कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। दूसरा तरीका है कलर चेंज। अगर रिएक्शन के अंदर केमिकल्स का कलर चेंज हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का आया रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, तो हम बोल देंगे कि रिएक्शन अंदर अंदर कहीं ना कहीं हुई है। तो जैसे एक इसके लिए भी एक एक्टिविटी है, ये भी अभी करके देखेंगे कि जैसे लेड ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है Pb3O4, जो कि रेड कलर का होता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, इसी लेड ऑक्साइड का यूज हमारे हिंदू समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, मैरिड वुमेन हैं, वो क्या करती है, सिंदूर के रूप में यूज करती है। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी और लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, मतलब जिसमें केवल एक सिंगल ऑक्सीजन होगा, इसलिए क्या बोल रहे हैं, मोनोऑक्साइड। तो लेड मोनोऑक्साइड बनेगा जो कि येल्लो कलर का होगा। इसका भी यूज ध्यान रखना, बहुत ही फाइन अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल ग्लास बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, PbO यानी कि लेड मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो इसको भी अभी हम परफॉर्म करके देखेंगे एक एक करके। तीसरा तरीका है किसी भी रिएक्शन को पहचानने का, स्टेट चेंज। अगर स्टेट में चेंज हो रहा है
तो भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुई है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, केवल स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे कि आइस से वाटर बना या वाटर से आइस बना तो केमिकल रिएक्शन हुई है, वो फिजिकल चेंजेज होते थे, वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन नहीं बोल सकते। लेकिन स्टेट में चेंज, जैसे इन दो एग्जांपल से समझोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि H2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिले, दोनों मिलने के बाद में H2O बना जो कि लिक्विड बन गया, तो यहाँ पे दोनों गैसेज मिलकर लिक्विड का फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्टेट में चेंज हुआ है तो केमिकल रिएक्शन हुई होगी। इसी तरीके से जैसे वैक्स यानी कि मोमबत्ती है या मोम है, वो सॉलिड होता है, उसको जैसे ही हम जलाएंगे कंबसन होगा उसका, तो क्या होगा उसके अंदर वाटर बनेगा जो कि आप वहाँ पे साइड में निकलता हुआ देखते होंगे, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ये सॉलिड, और साथ में वहाँ पे धुआं भी बाहर निकलेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है यानी कि गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जब हम किसी भी वैक्स को कंबसन करवाते हैं उसका या जलाते हैं उसको, तो वो लिक्विड और गैस वाली स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर और CO2 गैस बनाता है। अब इसको हम इन तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म करके देखते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब तीनों एक्टिविटीज को हम एक एक करके करके देखते हैं तब अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस का एवोल्यूशन कैसे होता है। इसके लिए मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है, मैंने बीकर की जगह टेस्ट ट्यूब प्रेफर किया है। इसके अंदर मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगा, और मैंने जिंक के कुछ छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स ले लिए हैं, इसको अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं। मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स इसमें डाल दिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होगी, इसलिए टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे गर्म होने लग गई है। तो टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे गर्म होने लग गई है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ रख देता हूँ और मैं टेस्ट करूँगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पास में माचिस की एक तीली लानी पड़ेगी, और फिर मैं आपको माइक से सुनवाता हूँ कि इसमें पॉप साउंड किस तरीके से सुनाई देती है। पहले हम थोड़ी सी तेज होने और जाने देते हैं रिएक्शन को, जिससे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हमारे को प्रॉपर आवाज़ सुनाई देगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आवाज़ आती है इसके अंदर पॉप साउंड के अंदर। आई होप आप लोगों को आवाज़ अच्छे से क्लियर आई होगी। मैं एक बार और करके बताता हूँ, इसमें थोड़ी और हाइड्रोजन गैस इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठी होने दो। आई होप आप लोगों को इस बार थोड़ी और तेज आवाज़ आई होगी, यही हमारी पॉप साउंड है। इस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर गैस का इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुई है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि कलर किस तरीके से चेंज होता है रिएक्शन का। तो इसके लिए मैंने एक बर्नर ले लिया है, बर्नर को मैं जला लेता हूँ। और मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड ऑक्साइड ले लिया है जो कि आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का है। अब इसको क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा हीट दूंगा, गर्म करूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर।
धीरे धीरे अब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। पहले ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का सा हो गया है, रेड के जगह रेड था, उसके बाद में ये ब्लैक कलर का सा हो गया है। अब अगर आप लोग देख पाओ तो इसको नीचे से देखते हो, ये थोड़ा थोड़ा येल्लो कलर का हो गया है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर से बहुत सारी गैस भी निकल रही है। तो ये येलो कलर के कौन सा कलर है हमारा, लेड ऑक्साइड यानी कि लेड मोनोऑक्साइड का कलर है, जिसका यूज किस में किया जाता है, फाइन क्रिस्टल बना ग्लास बनाने में किया जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा येलो कलर धीरे धीरे, ठीक है। तो आई होप ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जब वैक्स को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो उससे लिक्विड फॉर्म होता है और गैस बनती है। तो देख सकते हो कि मैंने एक मोमबत्ती ली है, मोमबत्ती को मैंने थोड़ा सा वो कर दिया है, तो इसके अंदर से क्या हो रहा है, लिक्विड की ड्रॉप्स आप नीचे गिरती हुई देख पा रहे होंगे। और साथ के अंदर जैसे ही मैं इसको बुझाऊंगा, तो बुझाते ही यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। अभी भी निकल रही है, वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसे ही मैं देखो बुझा रहा हूँ, तो इससे आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती हुई दिख रही होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीन तरीके से, कौन से, गैस के एवोल्यूशन से, कलर चेंज से और स्टेट चेंज से हम पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसे भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एक और तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इसके लिए मैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करके बताता हूं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है उसकी पहचान करने का तरीका, है प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन। अब ये प्रिसिपिटेट क्या होता है ये भी समझते हैं। जब दो सोल्यूबल सब्सटेंसेस को आपस में मिलाया जाता है, तो एक नया सब्सटेंस ऐसा बन के आता है जो इनसोल्यूबल होता है, मतलब वो घुलता नहीं है। तो वो क्या होगा, घुलेगा नहीं, तो नीचे बॉटम में बैठ जाएगा। तो उस नीचे जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बैठ जाता है, इसी को प्रिसिपिटेट यानी कि पीपीटी बोला जाता है। शॉर्ट में हम पीपीटी लिखते हैं, बोलते क्या है, प्रिसिपिटेट। तो जब सोल्यूबल सब्सटेंसेस को मिलाने पे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है, तब भी समझ जाओ कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आपके सिलेबस में एक्टिविटी 1.2 है, इसके अंदर हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस सोल्यूशन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो सोल्यूशन है ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है हमारा, जो कि बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक। और ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड भी बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन है। अब जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा, तो क्या होगा, एक बनेगा लेड आयोडाइड जो कि क्या होगा, येलो कलर का पीपीटी होगा, जो कि धीरे धीरे क्या होगा, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम फिल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। और साथ में एक बनेगा KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम करके देखते हैं। तो ये मेरे पास है लेड नाइट्रेट और ये है मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड, दोनों के मिला के देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा ये, जैसा देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने दो कलरलेस सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया, तो एक येलो कलर का हमारे पास प्रिसिपिटेट बन के तैयार हो गया। अब इसको अगर मैं लंबे टाइम तक के लिए छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, जो KNO3 है पोटेशियम नाइट्रेट, वो तो ऊपर आ जाएगा और ये जो हमारा ये लेड आयोडाइड है, ये क्या हो जाएगा, धीरे 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 बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा, जो कि हमारा येलो कलर का प्रिसिपिटेट है। ये प्रिसिपिटेट बनना ही ये पहचान है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस इन दोनों के बीच में हुई है। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसको हम फिल्टर पेपर से अलग करके इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं भाई किस तरीके का हमारे को लेड आयोडाइड मिलेगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे के एक और तरीका है केमिकल रिएक्शंस को पहचानने का, वो होता है टेम्परेचर चेंज या एनर्जी इवोल्यूशन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिए, अपने नोट्स बनाइए और आगे के सभी लेक्चर्स को भी आप आराम से देखिए, समझिए। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।